गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम ट्रांजिशन मेटल आयंस के लिए एक स्पिन ओनली फार्मूला ऑब्टेन करते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए। उस स्पिन ओनली फार्मूले की मदद से जब हम ये इनके लिए म्यू कैलकुलेट करते हैं तो आप देख रहे हैं कुछ ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं जिनके लिए हमने यहाँ पे स्पिन ओनली फार्मूला से जो कैलकुलेट किए वैल्यूज़ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है वो दी हुई हैं, और इनके लिए जो हमने ऑब्जर्व किया है मैग्नेटिक मोमेंट उसको यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ से बहुत मैच कर रही हैं, दे आर इन गुड एग्रीमेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने ज़िम किया था कि जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं इनके अंदर ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो कैंसिल हो जाता है और केवल स्पिन मोमेंटम का योगदान होता है, और इस वजह से स्पिन ओनली फार्मूला से जो हम उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं मोस्ट ऑफ दी केसेस के अंदर वो सही रिजल्ट देते हैं। हमेशा तो नहीं देते, उसके कारण को भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस के अंदर ये रिजल्ट सही मिलते हैं हमें। अब आती है कि म्यू को ऑब्टेन कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट काई एम इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसके लिए हमने जैसे अभी गॉयज मेथड की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, अब हम बात करेंगे कि उस गॉयज मेथड से हमने काई एम को जो है वो डिटरमाइन करना है, उसको हम वैल्यू निकालनी है काई एम की। व्हाट इज़ काई एम? हमारी मोलर ससेप्टिबिलिटी। इसके लिए हमें पता है कि जो हमारी गॉयज बैलेंस है उसका जो हमने ट्यूब सैंपल ट्यूब ली है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। अब जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हैं तो जो वेट में चेंज आएगा, इफ़ डिफरेंस इन वेट इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ एच इज डेल्टा एम, देन द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द सैम्पल इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम जी। ये हमें पता है वेट में जो चेंज हुआ, वेट में चेंज किसकी वजह से हुआ? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जब सैंपल के मैग्नेटिक फील्ड ने इंटरेक्ट किया। अगर वो पैरा मैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्ट होएगा तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो डायमैग्नेटिक है तो वो रिपेल होएगा फील्ड में और उसका वेट कम हो जाएगा। तो जो भी वेट में चेंज हुआ दैट इज़ डेल्टा एम, और इसकी वजह से जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एम जी, वेयर जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। If kappa 1 is the volume susceptibility of the sample and kappa 2 the volume susceptibility of air, then F जो force उसके ऊपर apply होगा, magnetic force उसके ऊपर जो लग रहा है, that is equal to half of kappa 1 minus kappa 2 multiplied by A the cross sectional area of the tube, mu 0 the magnetic moment in free space and H square where H is the applied magnetic field strength। ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों फोर्स को बता रहे हैं, जो सैंपल के ऊपर फोर्स काम कर रहा है उसको बता रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट डेल्टा एम जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कापा वन माइनस कापा टू मल्टीप्लाई बाय ए म्यू जीरो एच स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है कापा वन इज इक्वल्स टू कापा टू प्लस टू डेल्टा एम जी अपॉन ए म्यू जीरो एच स्क्वायर। यहाँ पे कापा टू जो है इट्स नोन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर इज नोन, सो इट इज 0.364 इंटू 10^-12। इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये कापा है अपनी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी इट्स यूनिटलेस क्वान्टिटी। सो आगे हम इसकी बात करते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ एच एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दो ऐसी क्वांटिटीज पूरे फॉर्मूला में आप देखेंगे, कापा टू नोन है, डेल्टा एम हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, जी इज़ नोन, म्यू जीरो इज एस्टेब्लिश्ड क्वांटिटी। सो जो जिनके अंदर एक्यूरेटली जो हमें नहीं पता है वो है हमारा उस सैम्पल ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एंड जो फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने अप्लाई की है एग्जैक्ट वैल्यू हमें उनकी नहीं पता होती है, तो हमें ये दो क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ स्टैंडर्ड हुज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नोन एक्यूरेटली। अब हम रिवर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक वो सैम्पल यूज़ करेंगे जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमें पता है।
जब वो पता होगी तो उससे हम ए एच स्क्वायर निकाल लेंगे, तो हमारे पास ए एच स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं द कॉम्प्लेक्स मर्करी 2 टेट्राथायोसाइनेट 2 कोबाल्ट 2 HgCONCS4। दिस इज़ यूज एज अ सॉलिड स्टैंडर्ड। इसके लिए काईएम की वैल्यू होती है 206.6 × 10^-12 मीटर क्यूब मोल इनवर्स एट 293 केल्विन। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मैग्नेटिक मोमेंट या कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें टेम्परेचर बताना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली जब पैरामैग्नेटिज्म की बात होगी, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट क्वान्टिटी है। In this way, volume susceptibility kappa 1 of the unknown sample is calculated and converted into molar susceptibility chi m using the formula। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि volume susceptibility को हम molar susceptibility में convert करेंगे, इसको जब हम molecular weight से multiply करेंगे and density rho से जब इसे divide करेंगे तो we will get volume this molar susceptibility chi m। बात करते हैं डायमैग्नेटिक करेक्शन की। व्हाट इज़ डायमैग्नेटिक करेक्शन? देखिए, हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया गॉयस बैलेंस की, जिसकी हमने बात की, उसमें हमने क्या किया, सैम्पल को मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया, उसके बाद उसके अंदर जो वेट में चेंज आया वो हमने ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट की। लेकिन जब भी हम सैंपल को इस तरह पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दिस पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं। अब उनका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, जनरल कैलकुलेशन के लिए हम डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर सकते हैं, बट जब हमें पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एग्जिट निकालनी है, पैरामैग्नेटिज्म एग्जिट चाहिए, तब हमें उसमें से डायमैग्नेटिक करेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि हमारे को जो अभी हमने कैलकुलेट किया गॉयस मैथड से या किसी भी मैथड से, एंड दैट वो क्या था हमारा, दैट वॉज काई पैरामैग्नेटिक प्लस काई डायमैग्नेटिक, उन दोनों का कॉम्बिनेशन था, उन दोनों का सम था। ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द मेटल आयन वी मस्ट मेक अ डायमैग्नेटिक करेक्शन। इसके लिए हमें डायमैग्नेटिक करेक्शन करना पड़ेगा। दिस इज डन बाय एडिंग डायमैग्नेटिक करेक्शंस ऑल्सो कॉल्ड पास्कल्स कॉन्स्टेंट फॉर द एटम्स एंड आयन्स इन द मॉलिक्यूल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड्स। इनकी नोन वैल्यूज है, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेक्चर में जब हमने मैग्नेटिज्म को डिस्कस किया था, कि डायमैग्नेटिज्म जो है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फिक्स वैल्यू होती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस हिसाब, जितने मतलब आपका मॉलिक्यूलर वेट है उसमें जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके हिसाब से वो मैग्नेटिज्म ऐड होता जाएगा। तो ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है काफ़ी एक्यूरेटली, बहुत हद तक इसको किया जा सकता है। सिमिलरली मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं उनका भी डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो आयंस का एंड मॉलिक्यूल जो उसके साथ में जितने भी एटम्स हैं, एक अगर हमारे को फॉर्मूला पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का या मॉलिक्यूल का, तो हर एक एटम का जो डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन है हम उसे ऐड कर लेंगे, और उसके अंदर अगर मल्टीपल मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम ऐड कर लेंगे, देन वो जो टोटल हमारे को दिस काई डायमैग्नेटिक इट इज इक्वल टू सम ऑफ काई एटॉमिक करेक्शन प्लस सम ऑफ काई मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। इन दिस वे यू कैन सी काई पैरामैग्नेटिक इज इक्वल टू काई मेजर्ड माइनस काई डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से हमारे को पैरामैग्नेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जिट मिल जाएगा। Finally, this chi paramagnetic is converted into magnetic moment of the metal ion using the equation mu upon mu b is equal to 797.5 under root chi mt. T is here absolute temperature, जो आपको बताना पड़ेगा कि किस temperature पे measurement हुआ है। तो इस तरीके से बोर मैग्नेटॉन में हमें magnetic moment मिलेगा। एक बार रिकॉल करें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। देखिए, थ्योरीज कुछ भी हो सकती हैं, हम उनका एक्सप्लेनेशन जो भी है, लेकिन ये फैक्ट है कि कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होते हैं, लो स्पिन होते हैं, कुछ में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, कुछ में नहीं होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हमने डिस्कस की थी तब हमने हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की थी, कि चेंज जो होता है वो हमारे D4, D5, D6, D7 आयंस कॉन्फिगरेशन में होता है,
या हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, इसलिए डी ऑर्बिटल्स की ही बात करेंगे। तो इन दैट केस आप देख रहे हैं कि जब लो स्पिन होते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग है, हाई स्पिन होते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग हैं, और इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग होने पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अलग होगी। उसको हम मेजर कर सकते हैं और मेजर करके हम बता सकते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरीके मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या आउटर, या पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम बता सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न, कुछ सोचिएगा इस बारे में, लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, पूरा सुनिएगा और उसके बाद सोचिएगा हाउ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस इज ऑब्टेंड एंड व्हाट इज डायमैग्नेटिक करेक्शन। थैंक यू।